हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप कि आप स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था हमारे चैनल पर कि सर आप जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताइए, तो आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये पार्ट वन का वीडियो है स्टूडेंट। इसमें सभी प्रश्न को बताएंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में क्या है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट को जियोग्राफी में 70 में से 65 प्लस का स्कोर करना है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो यदि आप लोगों को लगे कि वैल्यूबल है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक ही सेकंड लगेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता होगा 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे जो पार्ट वन से रिलेटेड है। अगला वीडियो हमारा पार्ट टू का आएगा, याद रखिएगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला या घनत्व पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है भारत के, क्या मेघालय में पाया जाता है या मिजोरम में या सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए, न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है स्टूडेंट, ये आप लोग बताइए। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो बिहार हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक बिहार, तो आपका दूसरे का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। ये देखिए, देखिए तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, भारतीय आय हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था। क्या है ना स्टूडेंट कि मैं एक बार जो क्वेश्चन दिया होता है बुक में उसका ऑप्शन में एक बार गूगल पर भी चेक करता हूँ क्या जो बुक में दिया हुआ क्या सही है या गलत है, तो वहाँ पर मुझे दिखा रहा था इंडो आर्यन। ठीक है स्टूडेंट, इसका इंडो आर्यन दिखा रहा था लेकिन बुक में भारतीय आय दिखा रहा था। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चार नंबर, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चार नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर पांच नंबर, निम्न में से कौन सा धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी धार्मिक नगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे स्टूडेंट, अयोध्या जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। दूसरा है आपका वाराणसी, वाराणसी भी काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि भोले बाबा का है। ठीक है, प्रयागराज आपका ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, प्रयागराज भी एक तीर्थ स्थल है। तो इनमें से जो देखा जाए स्टूडेंट बाकी सारे हैं, तो इनमें से आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाँच नंबर क्वेश्चन का आपका डी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए छह नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर देखिए, कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है भैया, तो मलिन बस्तियां, औद्योगिकरण भैया ये तो शहर की समस्या है ही, यातायात की समस्या है। ठीक है, लेकिन विस्तृत कृषि स्टूडेंट में बात करूं तो ये विस्तृत जो कृषि है स्टूडेंट ये भैया नगर की समस्या नहीं, ये ग्रामीण इलाकों की समस्या है। ठीक है, वो कृषि नहीं करेंगे तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो किसान हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सात नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए नगरी जो है आपका नदी तटेज पर अवस्थित नहीं है, तो आपका शायद भोपाल हो जाएगा या आगरा हो जाएगा, पटना या कोलकाता। ठीक है, तो सात नंबर का आपका भोपाल हो जाएगा राइट आंसर, यानी सात नंबर का वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, नीचे टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह फ्री में दे देता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहता है तो उसके लिए आप
टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, तो ब्राजील हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें निसंकोच आप ब्राजील पर टिक लगाइए। दूसरा हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व में पहले नंबर पर गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राजील ही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है स्टूडेंट, या मध्य प्रदेश में, या असम में, या बिहार में, ठीक है। सबसे अधिक की बात हो रही है, यहाँ पर नोट करिएगा, अधिक की बात हो रही है यानी सबसे अधिक, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पर होता है। वैसे बात किया जाए तो असम में भी होता है स्टूडेंट जूट का उत्पादन, ठीक है, असम में भी होता है, और आपका बिहार में भी होता है, ठीक है, और आपका जो है उड़ीसा में भी होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक की बात की गई है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए स्टूडेंट कि विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश में विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। तो 9 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, ठीक है, तो वो आपका मृदा लवणता हो जाएगा। 10 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, शुष्क, यहाँ पर देखिए, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो वो आपका गन्ना हो जाएगा, यानी 11 नंबर का डी ऑप्शन, जो कि गन्ना नहीं बोया जाता है किसमें, शुष्क कृषि में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बोई जाती है, जैसे रागी भी बोई जाती है स्टूडेंट, ठीक है, मूंगफली भी बोया जाता है, ज्वार भी बोया जाता है, ठीक है, दाल भी बोया जाता है, बाजरा भी, मूंग भी, ठीक है, मूंगफली जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, चना भी और मक्का भी, ये सब भी क्या है, शुष्क कृषि में बोई जाती है, लेकिन जो नहीं बोई जाती वहाँ पर ऑप्शन में गन्ना दिखा रहा है, तो 11 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को काफ़ी बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ, इनमें से डी वाला हो जाएगा, चक्रीय संसाधन है जल, ठीक है स्टूडेंट, तो 12 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है स्टूडेंट, तो सिंचाई में है, या उद्योग में है, या घरेलू उपयोग में है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग आराम से क्या है प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक, तब इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बता रहा है भैया वो सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। कुल, यहाँ पर देखिए, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से सिंचाई सेक्टर में होता है, ठीक है, खेतों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, तो 13 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, खेतड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट, क्या तांबा के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट, बताइए। जी हाँ स्टूडेंट, तांबा के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान का जो जिला है एक झुंझुनू, ये देखिए, एक राजस्थान का एक झुंझुनू जिला है, याद रखिएगा झुंझुनू, ठीक है, ये जिला है, उसी में जो है खेतड़ी है, उसमें तांबा राजस्थान में, ठीक है, खेतड़ी बेसिकली तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बस आप इतना समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भूरा हीरा के नाम से किसे जाना जाता है, लोह को, लिग्नाइट को, मैग्नीज को, या अभ्रक को, ठीक है, तो लिग्नाइट हो जाएगा राइट आंसर, यानी 15 नंबर का वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि कौन सा खनिज, ठीक है, नहीं है, तो वो अभ्रक हो जाएगा, ठीक है, अभ्रक जो है एक खनिज नहीं है, तो लिग्नाइट, इसमें देखिए भूरा हीरा के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसमें से ताप हो जाएगा स्टूडेंट बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि 16 नंबर का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे ताप, जैसे सूर्य की गर्मी हो गई स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर, देखिए बोकरो, देखिए बोकरो अवस्थित है, तो भैया झारखंड में अवस्थित है। अब आप लोग बताइए बोकरो में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, बोकरो जो एक क्षेत्र है, एक जिला है इनका, ठीक है, झारखंड में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है मॉडल पेपर के वीडियोज में, तो आप लोग नीचे कॉमेंट में बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, हमें सारी चीज़ें का स्टेप बाय स्टेप खबर रहना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें का खबर रहेगा तभी मैं आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या है इग्नोर करोगे मेरी बातों को, और जो मैं बताता हूँ उसको आप चीटिंग करके दोगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, ठीक है, अभ्रक हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए,
ठीक है, या आपका चूना पत्थर हो जाएगा। तो धात्विक खनिज में आपका तांबा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 18 नंबर का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग ने, यहाँ पे देखिए आयोग ने, इसमें राइट आंसर आएगा ठीक है, जो विकल्प होगा में सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन कब किया था स्टूडेंट, तो भैया परिसीमन 1972 में किया था। ये देखिए, अब देखिए इसका आंसर यानी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए सिंचाई आयोग ने 1972 में सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या है, परिसीमन किया था। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, प्रदेशीय ब्रैकेट में है, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है किससे संबंध है भैया, ऑप्शन देख सकते हैं। ए वाला ऑप्शन है कि आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी वाला है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, सी वाला है परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, या डी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, वो बी वाला हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 21 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा हल्दिया इलाहाबाद में भैया जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है ये दो स्थानों के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो 21 नंबर का आपका जो है बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पतन पश्चिमी तट का नहीं है भैया, पश्चिमी तट का कौन सा पतन नहीं है। अब देखिए आप लोग ये बताइए बंदरगाह क्या होता है, ठीक है बंदरगाह भारत में किल कितने हैं, ठीक है कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों से एक प्रकार से टेस्ट भी ले रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट भी मैं एक प्रकार से ले रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है और इसी में मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। मैं अलग से कोई वीडियो लाने वाला नहीं हूँ कि टेस्ट में आपका अलग से कराऊँ, ठीक है मैं इसी में टेस्ट भी लेता चलता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करना है, क्या आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। भैया सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो बोर्ड एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो इसको भी इग्नोर कर लेना और फेल हो जाओगे। ठीक है, तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसमें आपका राइट आंसर शायद आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया। ठीक है, तो 22 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए मारवा गांव पतन बंदरगाह अवस्थित है तो गोवा में अवस्थित है। 23 नंबर का ए ऑप्शन आपका गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है भैया, ब्रह्मपुत्र है बिल्कुल नहीं, सतलुज है बिल्कुल नहीं, गोदावरी है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यमुना भैया सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए स्टूडेंट यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्यों है। ठीक है, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा गंदगी हम जैसे लोग ही करते हैं। ठीक है, हम जैसे लोग ही गंदगी वहाँ पर जाकर करते हैं। ठीक है, और इसीलिए सर्वाधिक प्रदूषित नदी में यानी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी में यमुना का नाम आ रहा है, गंगा यमुना जन सरस्वती। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना पुरानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के उत्तरदायी कौन सा, तो भैया परिवास के लिए संबंधित है, परिवास यानी एक स्थान से दूसरे के स्थान के लिए निवास करना आना जाना प्रवास के लिए संबंधित है। तो 25 नंबर का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न था मैंने बता दिया है, अब चलिए देखते हैं अगला स्टूडेंट, मैंने 25 बहुविकल्पीय प्रश्न को बता दिया है, अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये पार्ट वन का वीडियो, इसके बाद में हमारा पार्ट टू का वीडियो आएगा तो उसमें भी मैं बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्लास 12 जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इस वीडियो में बताऊंगा। ये टोटल 15 से 16 या 17 क्वेश्चंस होंगे अति लघु उत्तरीय का। ठीक है, ये पार्ट वन का वीडियो है, समझ लीजिए। चलिए इसका प्रश्न सहित उत्तर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए और इसको क्या प्रकार से लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्त्रोत है इसका हमें वर्णन करना है। उत्तर देख लेते हैं इसका, देखिए उत्तर के साथ बात करेंगे कि ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण के प्रमुख जो स्त्रोत हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर किस तरह से दिया हुआ है, वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट,
तो बोर्ड एग्जाम में केवल ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हमें 25 शब्दों से नीचे ही देना है, ऊपर नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसके लिए एग्जामिनर हमें 2 नंबर देगा, बस आप इतना समझ लीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की 2 नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हमें 2 नवीन प्रवृत्तियाँ जो इसका उल्लेख करना है। तो देखिए सबसे पहला है गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, तथा दूसरा देखिए विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। ये भारत के विदेशी व्यापार की 2 नवीन प्रवृत्तियां हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया, देख सकते हैं। गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि तथा विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। इतना समझ लिया आपने। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पतन और यहाँ पर देखिए पोताक्षय में अंतर बताइए। पतन और पोताक्षय में हमें अंतर बताना है, डियर स्टूडेंट। उत्तर देखिए, पतन सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का स्थान होता है, जबकि पोताक्षय से यहाँ पर देखिए जलयानों की मरम्मत, ईंधन, गोदाम, माल वितरण आदि की व्यवस्था होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो पतन और पोताक्षय में क्या अंतर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। पतन सामान और यात्रियों को चढ़ाने उतारने का स्थान होता है, जबकि यहाँ से लेकर आपका पोताक्षय का पूरा परिभाषा दिया हुआ है। तो 3 नंबर भी क्वेश्चन में आंसर मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संचार से आपका क्या आशय है, ठीक है स्टूडेंट। संचार से भैया आपका आशय क्या है ये बताना है। तो देखिए या संचार से आपका तात्पर्य क्या है ये बताना है। संचार से आप क्या समझते हैं, संचार को परिभाषित कीजिए, ठीक है। संचार को परिभाषित कीजिए, संचार क्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो इसका आंसर होगा यही होगा जैसा यहाँ पर दिया हुआ उत्तर में। देखिए संदेश अथवा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था को संचार कहा जाता है, ठीक है। संचार के साधनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक वैयक्तिक संचार जाल तथा दूसरा सार्वजनिक संचार जाल, ठीक है। देखिए संचार बेसिकली होता है जैसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, ये सब चलाते हैं, आप लोग भी चलाते हो और आपके फ़ोन भी होगा, कम से कम इंस्टाग्राम तो आप लोगों के फ़ोन में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के पास होता है, लेकिन जो लेजेंडरी स्टूडेंट है, एक प्रकार से जो लेजेंड स्टूडेंट है, स्टूडेंट में उनकी बात करूँ जो पढ़ने में अच्छे हैं और जिनका फोकस एक ही है कि भैया बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना है और अपने पेरेंट्स को क्या है जो एक प्रकार से पेरेंट्स को अपने गर्व फील कराना है, यानी भैया कि समाज में वो देख कर कह सके कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ठीक है। तो उनके लिए भैया ये है। तो आप लोग भी देखिए, तो यही होता है संचार में, और आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दिलाऊंगा, बस आप लोग हमारी बातों को सुनिए और मैं जितने भी टॉपिक तैयार कराता हूँ उसको सुनिए। तो संचार में देखिए स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी, तो ये भैया अब आप लोग देखे होंगे कि व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजना होता है या फोटो वगैरह, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी हमें व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजना चाहता हूँ अपने दोस्त के फ़ोन में, तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। और पूरी दुनिया में कुछ भेजना वगैरह होगा या ट्विटर पर क्या चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें जानना होगा, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन से नए नियम लागू हुए हैं, या फेसबुक पर हमें कुछ दिखाना होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये संचार का माध्यम ही है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप देख लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है, परिवहन की 3 प्रमुख प्रकारों का नाम बताइए, ठीक है। उत्तर देखिए, परिवहन तृतीय क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करता है, परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है, यानी जो 3 प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन, ठीक है। ये परिवहन है, परिवहन के क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं परिवहन 3 प्रमुख प्रकार हैं, इनके बारे में बताया है मैंने, आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, SFDA और MFDA का पूर्ण विस्तार लिखिए, ठीक है, यानी SFDA और MFDA का पूर्ण विस्तार लिखना, ये क्या होता है। देखिए SFDA का यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लघु कृषक विकास संस्था, ठीक है। MFDA का यानी यहाँ पर देखिए मर्जिकल, क्या लिखा है, मर्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी सीमांत किसान विकास संस्था, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो उत्तर देखिए,
सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना और सूखा संभावित क्षेत्रों, देखिए सूखा संभावित क्षेत्र इसमें और हो दिया होगा, हाँ ये देखिए सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था, आंसर मैंने दे दिया है। आप लोग आराम से वीडियो को रोककर भी सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो पूछा गया है भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्षेत्र भैया मुंबई का हाई, यहाँ पर देखिए मुंबई हाई, तथा दूसरा है डिगोई। ये भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 2 आधात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें 2 आधात्विक खनिज का उल्लेख करना है, सबसे पहला है अभ्रक तथा दूसरा है जिप्सन। ठीक है, ये 2 आधात्विक खनिज हैं जिनका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 हमें क्षेत्रों का उल्लेख करना है, सबसे पहला है मयूरभंज उड़ीसा तथा दूसरा है सिंहभूम झारखंड। ठीक है, ये भारत के लौह अयस्क उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है भैया। ठीक है, जो नीरू मीरू जल विकास कार्यक्रम है कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है डियर स्टूडेंट। उत्तर देखिए आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू जल, और आप देखिए जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू हुआ रहा है। भारत का प्रथम जो कि भाषाई के राज्य में भैया अलग राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। ठीक है, तो मैं बताता चलता हूँ आपको सारी चीज़ें, अलग भी बताता हूँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रमुख नकदी फसलों का नाम बताइए, यानी जिससे क्या पैसे तुरंत मिल जाते हैं, इंस्टेंट मिल जाते हैं, गन्ना तथा दूसरा है जूट। ठीक है, गन्ना आप क्या है एक पर्ची होता है ना गांव के इलाकों में, पर्ची के माध्यम से भी बेच सकते हैं जिसमें पैसे अकाउंट में आते हैं। एक होता है नगद बेचेंगे तो उसमें कम पैसे मिलते हैं, लेकिन नगद तुरंत पैसे दे दिया जाता है, और जो पर्ची वाला होता है इसमें क्या 6 से 7 महीने या 1 साल भी लग जाता है पैसे आने में बैंक अकाउंट में। दूसरा है जूट में भी भैया वही है, पैसे नगद तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर, देखिए बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बंजर भूमि। ठीक है, देखिए उत्तर देखिए, वो भूमि जिस पर कोई उपज पैदा नहीं होती, यानी जिस पर कोई भी अनाज पैदा नहीं होती है, बंजर भूमि कहलाती है। इसे यहाँ पर देखिए प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर देखिए प्रौद्योगिकी की भैया मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, तो बस आप समझ लीजिए कि भैया जो बंजर भूमि होता है भैया उसको क्या है, किसी भी जुगाड़ से किसी भी चीज़ों से प्रौद्योगिकी से भैया उसको उपजाऊ भूमि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कृषि योग्य भूमि जिसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, भारत के 2 औद्योगिक नगरों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, 2 हमें औद्योगिक नगर का उदाहरण देना है, सबसे पहला आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई तथा दूसरा आपका जमशेदपुर। ठीक है भैया, जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर कहाँ पर है आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है आदिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें 2 प्रमुख जो प्रकार हैं इसका उल्लेख करना है, सबसे पहला आपका हो जाएगा ग्रामीण आदिवास तथा दूसरा हो जाएगा नगरीय शहरी आदिवास। ठीक है, तो ये आदिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है भैया। 2011 की बात हो रही है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए उत्तर में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,854,977 के प्लस थी स्टूडेंट, क्योंकि एक दिन में क्या है काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं काफ़ी मर जाते हैं, लेकिन पैदा के कंपेरिजन में जो जन्मे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा होता है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 62,32,70,258 तथा महिलाओं की संख्या यहाँ पर देखिए 58,75,74,84,719 थी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना बात हुई रही थी, भारत में हर वर्ष 10
सालों में जनगणना होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा ठीक है। और भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत की किन्हीं दो प्रमुख भाषाओं का नाम लिखिए। तो पहला आपका हिंदी हो जाएगा जो कि प्रमुख भाषा है, दूसरा आपका गुजराती हो जाएगा ठीक है। जो भारत की दो प्रमुख भाषाएं हैं, भारत में टोटल 22 भाषाएं बोली ली जाती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में शायद 18 भाषाएं हैं ठीक है, लेकिन 22 भाषाएं हैं ठीक है। पहली बार भारत का कौन सा राज्य है जो भैया भाषा के आधार पर अलग होना चाहता था, तो वो आंध्र प्रदेश था 1953 में, डेट याद रखिएगा ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट, जो मुझे लग रहा था, और इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है, आप लोगों को लगा है कि वैल्यूबल है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, एक ही सेकंड लगेगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाकर आते रहेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।